चार बजे तक का था। आज जो हमारी तादाद जो दिख रही है वो इसीलिए कम है क्योंकि हमारे जो साथ आती हैं दूर दराजों से हमारी बहनें आती हैं जिनका गांव में पहुंचना शाम के टाइम बहुत मुश्किल होता है, उन्हें गांव में जाने के लिए रास्ता वाहन नहीं मिलते, इसलिए आज हमारी तादाद कम है। इससे ये साबित न करे कोई भी ये ना कहे कि शायद ये संगठन कमजोर पड़ गया है, शायद ये संगठन कमजोर पड़ गया इसीलिए आज इनकी भीड़ कम है। हमारी जो बहनें हैं जब भी बहादुर थी और आज भी बहादुर हैं। आज जो हमारा एक कार्यक्रम भी था एलवेंड ने जो उनका गोली खिलाने का, जो हम बच्चों को कीड़े की गोली खिलाते हैं, जो बच्चे कीड़े की वजह से कुपोषित हो जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, बीमारियां हो जाती हैं, तो साल में दो बार टेबलेट खिलाई जाती है बच्चों को, और जीरो दो साल से लेके हम 19 साल तक के बच्चों को खिलाते हैं। तो आज हमारा ये भी कार्यक्रम था, इस वजह से हमारी बहनें अपने अपने केंद्रों पर बिजी रही और टाइम भी हमारा लेट का था, इसलिए हमारी तादाद थोड़ी कम है। तो आगे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारी बहनें हैं सभी उसी उत्साह के साथ आएंगी। कोई बहन हमारी ये कह रही है कि मानदेय सरकार तो बिल्कुल हो रही है, सरकार ने तो ये सोच लिया है कि चाहे हम कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमने तो कसम खा ली है कि हम तो इनको कुछ देने वाले हैं नहीं। ये सरकार की नीति चल रही है, लेकिन हम भी सरकार से कह रहे हैं कि या तो आप अपनी नीति को बदल लीजिए, या तो आप अपनी नीति को बदल लीजिए, और अन्यथा आप नीति को नहीं बदलते हैं तो फिर हमको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। जो हम भरपूर जो चुनावों में जो हमने आपको भरपूर सहयोग दिया है, जो हमने घर घर जाके डोर टू डोर जाके हमने आपके लिए वोटें मांगी हैं, एक एक महिला का वोट परसेंट बढ़वाया है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर था जब इलेक्शन था कि महिलाओं की वोटें नहीं आती हैं, जो परसेंटेज वोटों का रहता है महिलाओं का कम रहता है, और हमारे ऊपर इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी दे दी थी इन्होंने कि आपकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं का वोट परसेंट आपको ही बढ़ाना है, और हमने डोर टू डोर जाके एक एक महिला को किस तरीका से समझाया, हमने कलावे तक महिलाओं को बांध के घर घर जाके उनके हाथों में कलाए बांधे और उनको शपथ दिलवाई कि आप हमारे सामने शपथ खाइए कि जिस दिन आज चुनाव होगा तो आप अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगी। हमने इस तरीका से इतना प्रयास करा और बीजेपी के लिए वोट का भी हमने प्रयास करा, हालांकि हम सामने नहीं कह सकते लेकिन हमने पूरी मदद की थी कि सरकार आएगी बीजेपी की तो जरूर हमको लाभ होगा और हमें सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। लेकिन आज हुआ क्या, हमारा इतना प्रयास करने के बाद सरकार तो सत्ता में आ गई, सरकार की तो मौज आ गई, सरकार को तो राज मिल गया, लेकिन हमारा क्या हुआ, हमें तो और भी हमारा तो शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया। पहले हमारे जो बच्चे हमारे सेंटरों पे जो आते थे उनके लिए ना तो कोई टाट पट्टी है, ना कोई उनके लिए चटाई है, ना कोई व्यवस्था है। हमें साल में 16-16 रजिस्टर दिए जाते हैं काम करने के लिए कि इसमें आप गर्भवती का नाम लिखिए, इसमें आप बच्चों का नाम लिखिए, इसमें किसका जन्म हुआ उसका लिखिए, इसमें किसकी मृत्यु हुई उसमें लिखिए, आज कितने आपके यहाँ पोषाहार वितरण हुआ ये लिखिए, आपको उस तारीख में कितना पोषाहार मिला ये लिखिए, और पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ों का हमें रजिस्टर बनाना पड़ता है। 16 रजिस्टर हमको एक महीने में मेंटेन करने पड़ते हैं जिस पर हमें डेली काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया 16 रजिस्टर मेंटेन करने का। 1 घंटे में हम अपने अभिलेखों को पूरा करते हैं, इतने सारे कार्य करते हैं कि 50,000 और जो 60,000 जो तनख्वाह ले रहे हैं, 1-1 लाख जो तनख्वाह ले रहे हैं वो भी नहीं करते होंगे अपने ऑफिसों में, उनके पास भी नहीं होंगी इतनी फाइलें जितने हमारे पास रजिस्टर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को हमारा काम कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार यही सोच रही है कि ये जो आंगनबाड़ी जो काम कर रही है इनका कोई काम ही नहीं है, अब एक आशा को लाके और खड़ा कर दिया है, जो कि हमारी योजना सन 1975 से चल रही है, आज हमारी योजना को चले हुए 40-45 साल हो चुके हैं और आशा बहुएं अभी मात्र 5-6 साल से आई हैं, उनको कहते हैं कि हमसे अच्छा काम तो ये करती है। हमारे विभाग की मेनका गांधी जो हमारे विभाग की मंत्री है महिला एवं बाल विकास की, वो खुद कहती है कि आंगनबाड़ी से अच्छा काम तो आशा करती है। हम ये पूछते हैं क्या आज मृत्यु दर देखिए, आज अपने देश की मृत्यु दर देखिए कि आज हमारे देश की मृत्यु दर कितनी कम हुई है, तो क्या ये आशाओं की वजह से हुई है? ये जो मृत्यु दर कम हुई है, जो कुपोषण कम हुआ है, ये सिर्फ आंगनबाड़ी की देन है। आंगनबाड़ी ने जी तोड़ मेहनत की है
कोई जानता भी नहीं था कि वजन कैसे तोला जाता है और वजन तोलने से क्या मतलब होता है वजन तोड़ने का। ये आंगनवाड़ी ये करा, घर घर जाके आंगनवाड़ी गई, हर महिला से जाके बात करी, हर बच्चे को उसने तोला और उसका कुपोषण निकाल के सरकार को दिया। सरकार कागजों में बैठ के दिखा देती है इतने बच्चे कुपोषित है, इतने स्वस्थ है, इतने अति कुपोषित है, कहाँ से दिखाती है, कहाँ से आंकड़े जाते हैं? ये सारे आंकड़े बहनों हमारे ही द्वारा जाते हैं, हम ही देते हैं वो सारे आंकड़े। कोई भी अधिकारी गांव में जाके देखे तो सही, किसी के बच्चे को हाथ तो लगा के दिखाए कि तोल के तो दिखाए कि कैसे माँ उसको तोलने देती है। हम ही को पता है हम कितना संघर्ष करते हैं, उन माँओं को कैसे समझाते हैं। और पता है जिसका बच्चा जरा भी हष्ट पुष्ट होता है ना और जरा स्वस्थ होता है उसके बच्चे को तोलो तो पहले कह देती है बहन जी मेरे बच्चे को हाथ में लगा ना, मेरा बच्चा तो पहले स्वस्थ है और नजर लग जाएगी। ये बातें सामने आती है हमारी, कैसे उनकी हम भ्रांतियों को निकालते हैं, कैसे उनके जो बहम घुसे हुए जो अंधविश्वास घुसा हुआ उसको हम किस तरीका से निकालते हैं, ये हम ही को पता है। और ये जो आज पोलियो का जो कह रहे हैं ना सन 2011 से अभी तक हमारे देश में कोई भी पोलियो का केस नहीं निकला है सन 2011 से, तो ये किसकी देन है? पोलियो को अपने देश में से भगाने का किसकी देन है? ये सिर्फ एक आंगनवाड़ी की देन है, आंगनवाड़ी की ही वजह से हमारे देश से पोलियो भागा है, अन्ना किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो पोलियो को भगा सके। आप जाके देखिए हाई रिस्क एरिया में जहाँ में मोमिन परिवार रहते हैं, जहाँ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उनके अंदर घरों में भी जाना मुश्किल है। और जब उनसे बात करते हैं ना, बात करने में ऐसा लगता है हाय भगवान ये नौकरी छोड़ दो, क्यों हम इनकी इतनी उल्टी सीधी सुनने के लिए आए हैं, इतनी अभद्रता से बातें करती हैं। और शुरू शुरू में जब पोलियो चला था तो आपको पता है कितने ही आंगनवाड़ियों के आंखों में मुस्लिम महिलाओं ने कितने ही आंगनवाड़ियों के आंखों में मिर्चें झोंक दी थी और कितनों के साथ मारपीट करी थी, तब कहीं जाने के बाद तब ये पोलियो को खत्म किया था। हमारे बीच में हमारे सदर एसडीएम साहब आ चुके हैं, हम उनका हार्दिक सम्मान करते हैं। हमारे बीच जायज मांगों को मांगना अपने आंदोलनों का अधिकार होने लड़ाई लड़ना ये संवैधानिक बात है, तो उन्होंने 2 महीने का हमारा मानदेय रोक दिया, उसी के विषय में हमने लेटर दे रहे हैं सर आपको। ये बैंक पढ़ के बता दीजिए एसएम साहब को, एक बार पढ़ के आप बता दीजिए।